वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम ESIC के नर्सिंग ऑफिसर है उनके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, जो 7 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसमें आपको कौन सी चीज कैरी आउट करनी है, एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, जो पैटर्न है UPSC द्वारा इस एग्जाम का उसके बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, वो आपको याद रखना जरूरी है। अब बात करें एडमिट कार्ड की, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप UPSC के जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उस पर जाके एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर से वो डाउनलोड कर सकेंगे। अब एग्जाम की टाइमिंग कौन सी है, तो 7 जुलाई को एग्जाम 2 to 4 PM लिया जाएगा। अब आपको देखिए सेंटर पर 1 बजे से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि जो इसका एंट्री है वो 1:30 PM को ही क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी कैंडिडेट को एंट्री मिलने वाली नहीं है। तो 1 बजे से पहले पहुंचना जरूरी है। बाद में आपको कौन कौन सी चीज कैरी आउट करनी है, साथ में कौन सी चीज लेके जाना है, तो पहला तो वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको साइट पर से डाउनलोड करना है, उसकी प्रिंट आउट निकाल के जानी है, ठीक है, और कलर प्रिंट निकाल लेना। और बाद में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेना है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय वही आपको लेके जाना है, और एक आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है। एज अ प्रिकॉशन आपको एक फोटो साथ में रखना है। अब आगे बात करें तो सिलेबस की, जो सिलेबस है तो वो सिर्फ नर्सिंग का ही सिलेबस है। जो 100 क्वेश्चन है वो नर्सिंग के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि UPSC के जो जनरल एग्जाम होते हैं, बाकी के एग्जाम, उसमें थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी आता है, पर ESIC की जो एग्जाम है उसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बात करें तो अब पेपर का स्टाइल क्या होगा, अब पेपर है, पहले वो CBT बेस्ड ली, कंप्यूटर बेस्ड ली जाती थी ऑनलाइन टेस्ट, अब वो CBT बेस्ड नहीं है। CBT बेस की जगह जो ओल्ड सिस्टम है कि हम जो OMR दी जाएगी और आपको एक पेपर की हार्ड कॉपी दी जाएगी, उसमें से जो भी आंसर आते हैं वो आपको OMR में फिल करने हैं, यही सिस्टम के एग्जाम भी ली जाएगी। देखिए आपको ऐसे कोई क्वेश्चन होगा और ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है, और आपको उसमें जो भी राइट आंसर है उसे पूरा फिल करना है और अच्छे से फिल करना है। अगर ऐसे आपने फिल किया या तो फिर ऐसे फिल किया तो वो गलत होगा, आपको अच्छे से पूरा राउंड करना है, ठीक है। बाद में बात करें तो जो 100 क्वेश्चन है वो एवरी क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, मतलब कि 300 मार्क का टोटल पेपर होगा, और माइनस नेगेटिव सिस्टम कैसी है, तो 33% UPSC में 33% है वो माइनस सिस्टम रखी जाती है, मतलब 3 के 33% मतलब 1 मार्क आपका माइनस होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है और आपने उसे मार्क किया हुआ है तो आपके जो ऑप्टेन मार्क है उसमें से एक माइनस होगा, पर अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं अटेंड किया है तो उसका कोई माइनस होगा नहीं, मतलब कि अगर आपने जो वो क्वेश्चन के आंसर है OMR में एम्प्टी रखा है तो कोई भी माइनस वहां पे नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।